पुस्तकालय ज्ञान का अनमोल भंडार यानी पुस्तकें प्राप्त करने का एक केंद्र बिंदु होता है। यह छात्रों के लिए केवल पढ़ने का स्थान ही नहीं बल्कि उनके सोचने, समझने और अनुसंधान करने की जगह है। आइए हम पीएम श्री केवी मीसा कैंट के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से यह पुस्तकालय अपने छोटे छोटे परंतु प्रभावी कदमों से छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में अपनी भूमिका निभा रहा है। श्री हरीश कुमार वर्मा, पुस्तकालय अध्यक्ष के द्वारा इस पुस्तकालय में ICT के विभिन्न टूल्स का इस्तेमाल बखूबी किया जाता है, चाहे वह पुस्तकालय ब्लॉग हो, यूट्यूब चैनल हो, क्रोमबुक पर बच्चों के द्वारा आधुनिक गतिविधियां करना हो, पुस्तकालय न्यूज़लेटर के द्वारा बच्चों को उत्साहवर्धन हो, हाइब्रिड मोड में क्विज संचालित करना हो, पॉडकास्ट के माध्यम से बच्चों को कुछ नया सिखाना हो, पुस्तकालय सॉफ्टवेयर द्वारा पुस्तकें प्रदान करना इत्यादि में यह पुस्तकालय निरंतर कुछ नवाचार करके बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ छात्र अपने रुचियों और आवश्यकताओं के अनुसार पुस्तकों की खोज करते हैं। यहाँ हर पुस्तक की अपनी अलग कहानी है और यह कहानियां पढ़ने वालों के जीवन में नई रोशनी डालती हैं। पुस्तकालय छात्रों के लिए एक अनमोल संसाधन है। यहाँ ज्ञान का खजाना बसता है। छात्र नियमों का पालन करते हुए अपनी पढ़ाई में लगे रहते हैं। मैं प्रवीण कुमार शर्मा, प्राचार्य पीएमसी केंद्रीय विद्यालय मीसा कैंट। अक्टूबर 2023 में मैंने विद्यालय को ज्वाइन किया और विभिन्न विभागों के प्रभारी यहाँ पर काम करते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। बहुत अच्छी टीम है इस विद्यालय की और उन्हीं में से एक है मिस्टर हरीश कुमार वर्मा, जो लाइब्रेरियन है केंद्रीय विद्यालय मीसा कैंट। ये इस प्रकार के लाइब्रेरियन हैं जिन्हें मैं कहूँगा कि एक टेक्नोक्रेट है। जो भी आधुनिक तकनीकी विद्याएं हैं उनमें ये प्रवीण हैं, चाहे वो लाइब्रेरी ब्लॉग हो, यूट्यूब चैनल हो, पॉडकास्ट हो, पॉकेट लाइब्रेरी, पैडलेट, हाइब्रिड मेड क्विज, तरह तरह की प्रोग्राम ये बच्चों के लिए संचालित करते ही रहते हैं। बहुत बुक्स भी जो ये बच्चों को देते हैं, सैंक्शन करते हैं, उनको बांटते हैं, वो भी अपने ही बनाए हुए सॉफ्टवेयर के द्वारा। बहुत सारी ACP क्लासेस ये लेते हैं, 6 to 9 तक की सारी क्लासेस। और अपने विभाग में मैंने इस प्रकार के लाइब्रेरियन और पुस्तकालय अध्यक्ष नहीं देखे जो अपने काम में इतने प्रवीण हों, चतुर हों, कुशल हों। उम्मीद है केंद्रीय विद्यालय संगठन को कि बाकी संभागों के जितने भी पुस्तकालय अध्यक्ष हैं वो तकनीकी विद्या में इतने ही कुशल हों, इतने ही प्रेरक हों और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए और पुस्तकालय को उत्तरोत्तर अभिवृद्धि कराने के लिए, साथ ही साथ बच्चों में रीडिंग हैबिट्स डेवलप करने के लिए वो अपना सर्वस्व झोंक दें। तो इसी प्रकार, इसी उम्मीद से मैं हरीश कुमार वर्मा जी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि वे अपने कार्य में मग्न रहें, तत्पर रहें और इसी प्रकार विद्यालय की और संगठन की सेवा करते रहें। धन्यवाद। लाइब्रेरी में सिर्फ हमें किताबें नहीं पढ़नी होती, हमें ज्ञान अर्जित करना होता है और वह चीज हमें कई नई तरीके से करते हैं। हम वहाँ पर पॉडकास्टिंग करते हैं। जो बच्चे स्क्रीन के सामने बोल नहीं पाते हैं उनके लिए रेडियो पॉडकास्टिंग एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी रहती है, जिसमें बच्चे अपने और स्कूल में क्या क्या होने वाले चीजों को पॉडकास्ट करते हैं और सभी बच्चों तक पहुंचाते हैं। और हमारे लाइब्रेरी में क्विज करवाने का एक नया तरीका है जो हम पेपर की मदद से करते हैं। और जो एक्टिविटीज हम लाइब्रेरी में करते हैं उसमें हम बुकमार्क बनाते हैं, बुक जैकेट बनाते हैं और कुछ बुक्स को उधर समझाया जाता है, जिसमें बच्चों को बुक के पूरी जानकारी लेने के लिए उत्सुकता बढ़ती है। लाइब्रेरी मैटर एंड टू मेक अस डू मेनी फन एक्टिविटीज लाइक ऑर्गेनाइजिंग, ही यूज्ड टू ऑर्गेनाइज मेनी कॉम्पिटिशंस, मेनी एग्जीबिशंस एंड प्रोग्राम इन लाइब्रेरी टू मेक द स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन दिस बुकिश लाइफ एंड आई हैव एंजॉयड ऑल ऑफ दीस थिंग्स वेरी वेरी मच। ही हैज स्टार्टेड अ ब्लॉग एंड अ यूट्यूब चैनल फॉर अ लाइफ। श्री हरीश कुमार वर्मा जी का यहां उनके चयन, उनका नियुक्ति लाइब्रेरियन के रूप में 2018 अक्टूबर में हुआ था। उस समय हमारे विद्यालय में लाइब्रेरी का, ई ग्रंथालय का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं थे, लाइब्रेरी ब्लॉग नहीं थे और यहाँ बच्चों में लाइब्रेरी में जितने किताबें थे उन किताबों को कहाँ कैसे उनको पढ़ना है ये भी नहीं आता था। उसी टाइम में वो आए और एक ब्लॉग बनाने में मुझे तो ऐसा लग रहा है कि गए और आँखें खुलते ही ब्लॉग बन गया। वो ब्लॉग केवल ऐसा ब्लॉग के नाम पे नहीं, विद्यालय के हर एक कार्यक्रमों का बच्चों को उनके सही सही समय पर जानकारी देना, अध्यापकों को
कहाँ प्रशिक्षण कैसे कर सकते हैं, जो उस समय के नवनियुक्त अध्यापकों का प्रशिक्षण कार्य में उनका ट्रेनिंग कार्य। मेरा नाम है जॉनी अहमद, मैं पीएमसी केंद्रीय विद्यालय मिसा कैंट का फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन टीचर हूँ। आई जॉइन केंद्रीय विद्यालय संगठन में 2010, 14 साल हो गए हैं मुझे केवीएस में। यहाँ आने से पहले मैंने लगभग 6 लाइब्रेरियंस में मिल चुका हूँ उनसे। हरीश कुमार वर्मा जी अभी तक के मेरे एक्सपीरियंस के 7वें लाइब्रेरियन हैं जिनके साथ मैंने काम किया। सर का पढ़ाने का तरीका या फिर क्लासरूम में एक्टिविटीज़ कराने का तरीका काफ़ी अलग है। सबसे जो अलग एक्टिविटीज़ में मैंने देखा उनकी एक्टिविटी, जैसे एप्लीकेशन डेवलप करना, उन्होंने एक ऐप डेवलप किया है केवी मिसा के लिए, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जैसे स्कूल का ट्यूटर हो गया, अवेकन सिटीजन प्रोग्राम हो गया, वहाँ पे स्कूल की एक्टिविटीज़, हॉलीडे होमवर्क, 100 डे रीडिंग चैलेंज, इस तरह की एक्टिविटीज़ वहाँ पे आ जाती है। स्कूल का जो यूट्यूब चैनल है उसको भी एक्टिवली चलाते हैं। श्री हरीश कुमार जी वर्मा, पुस्तकालय अध्यक्ष, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय मिसा कैंट, अपने कार्य के प्रति बड़े ही सजग और जुनूनी व्यक्ति हैं। इन्होंने जब से इस विद्यालय में कदम रखा है तो बच्चों के प्रति शिक्षा के नए नए आयामों को इतनी अच्छी तरीके से सजोया है कि हर बच्चा उस शिक्षा के समुद्र में गोते लगाकर खुद को खुश नसीब समझ रहा है। और मैं तो खुद पे इतना एतबार करता हूँ कि जब से मैं इनसे मिला हूँ तो ये मैं मानता हूँ कि अच्छे व्यक्तियों के साथ मिलकर खुद में भी नए परिवर्तन आते हैं। और जब मैं देखता हूँ कि बच्चों के साथ कभी ब्लॉग के ऊपर काम करना, कभी यूट्यूब के ऊपर काम करना, कभी पॉडकास्ट के ऊपर काम करना, कभी आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर काम करना, कभी ई ग्रंथालय को लेकर बच्चों को समझाना, ये सब चीज़ें जब मेरे बच्चे खुद मुझे बताते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि एक शिक्षक है जो अपने विभिन्न कार्यों को नए ज़माने के हिसाब से लेकर चल रहा है। काफ़ी अच्छा परिवर्तन मैं बच्चों में देखता हूँ। बच्चों के बीच में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है यहाँ पे, जिस तरह की वो एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे एक एक्टिविटी है क्विज थ्रो क्यूआर कोड मोड, जहाँ पे एक पेपर होता है जहाँ पे कोड्स होते हैं, बच्चे ABCD ऑप्शन दिखाते हैं, वो बड़ा नया था मेरे लिए। रीडिंग चैलेंज इस टाइम पे, जहाँ पे बच्चों को ज़्यादातर मोबाइल गेम्स खेलना पसंद है, वहाँ पे ये समझाना कि पढ़ाई करना, किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ये सर के आने के बाद सटली बहुत ज़्यादा हुआ है। पुरानी किताबें जैसे बच्चे पहले क्या करते थे कि यूज़ नहीं करते थे तो फेंक दिए जाते थे या किसी को दे दिया, यहाँ पे उन्होंने क्या पुस्तकोपहार, जो पुस्तक उपहार है उस तरह का एक प्रोग्राम शुरू किया है जो बड़ा अच्छा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि नेचर को भी फ़ायदा हो रहा है, बच्चे को वही पुरानी किताबें यूज़ करने का मौका मिल रहा है। एक और बहुत ज़रूरी चीज़ जो मैंने यहाँ पे देखी थी, बुक जैकेट नाम की एक उन्होंने एक्टिविटी की थी, बिकॉज मुझे खुद किताबें पढ़ना पसंद है तो जब भी मैं लाइब्रेरी में पहुँचता तो मैं उनकी क्लासेस देखता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसे बच्चों के लिए नहीं, हम भी वहाँ से सीख सकते हैं। एज ए फिजिकल हेल्थ एजुकेशन टीचर मेरे लिए तो पर्सनल बेनिफिट हुआ जब वो यहाँ पे आए। यहाँ पे हम लोगों ने 2 बार अभी तक रीजन पोस्ट मीट की है, 51st and 52nd रीजन पोस्ट मीट कबड्डी का, जहाँ पे लगभग 250 के आसपास बच्चे आए हैं दोनों टाइम। बच्चों की एंट्री से लेकर गेम कराने तक का सारा जो डॉक्यूमेंटेशन का काम है, गेम के दौरान रिकॉर्डिंग, ये सारी चीज़ें उन्होंने की है। उन्होंने हमारे केवी केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 पौंडीचेरी जिपमेर कैंपस में 2018 में ज्वाइन किया था और तब से मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने जो केंद्रीय विद्यालय जिपमेर कैंपस की लाइब्रेरी का जो उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन किया है, स्पेशली जो उन्होंने ब्लॉग उन्होंने बनाया था, दैट वॉज अमेजिंग। विद इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम वो जो ब्लॉग काइंड ऑफ वायरल हो गया था, अगर आप गूगल पे भी सर्च करते थे तो सबसे पहले उन्हीं का ब्लॉग आने लग गया। और उन्होंने अलग अलग तरीके के प्रयोग स्टार्ट किए हमारी लाइब्रेरी में, जैसे कि सबसे इनोवेटिव मुझे जो लगा है वो है उनका रेडियो पॉडकास्ट, जिसमें वो बच्चों को प्रमोट करते हैं बाय इनवाइटिंग देम फॉर द पॉडकास्ट एंड टीचिंग देम हाउ टू डू स्टोरी टेलिंग एंड सच काइंड ऑफ इनोवेटिव एंड इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज फॉर स्टूडेंट। शब्द सुनके हमें सिर्फ एक कमरे की याद आती है जहां पे किताबें रखी हो, पर पीएफसी केंद्रीय विद्यालय मिसा कैंट में इसी पुस्तकालय में हमें कुछ और सुविधाओं का आनंद उठाने का मौका मिला है। हमारे प्राचार्य पुस्तकालय अध्यक्ष श्री हरीश कुमार सर और प्राचार्य श्री प्रवीण कुमार सर के नेतृत्व में हमें यहाँ पे कुछ अन्य सुविधाएं जैसे कि क्रोम बुक का आनंद उठाने का मौका मिला है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ में से एक बहुत ज़रूरी एक्टिविटी है वो है स्टोरी टेलिंग। मुझे लगता है जिस तरह से वो क्लासेस में जाके, सॉरी लाइब्रेरी के क्लासेस जब आते हैं, जिस तरह से वो क्लासेस के सामने स्टोरी टेलिंग करते हैं, बच्चों के ऊपर बड़ा ही असर पड़ता है। बच्चों को स्टोरी सुनना उनसे बड़ा अच्छा लगता है। यूट्यूब में मैंने देखा है उन्होंने वीडियो बना के बड़े अपलोड किए हैं, किस तरह से स्टोरी बताई जाए, उसको किस तरह से ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जाए, ये सारी एक्टिविटीज़ उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। क्रोमबुक में हम लोग padlet.com में जाके बहुत सारे प्रश्नों का जवाब देते हैं और कुछ इंटरनेट के जरिए कुछ अन्य ज्ञान का लाभ उठाते हैं। हमें श्री हरीश कुमार वर्मा सर के नेतृत्व में पॉडकास्ट करने का मौका मिला है, विद्यालय में चल रही कुछ कार्यक्रम या फिर किसी खास दिन के ऊपर बोलने का मौका मिलता है और
हमें पेपर थ्रू क्विज मोड की तरफ से कुछ ज्ञान मिलता है, जहां सर हमें कुछ प्रश्न देते हैं और हमारे हाथ में एक पेपर होता है जहां पे चार ऑप्शंस होते हैं जिससे हमें उत्तर देना पड़ता है। इससे हमको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, कई नए प्रश्नों या फिर कोई नए विषय को जानने की रुचि जो रखते हैं उनके लिए बहुत लाभदायक है। वन ऑफ द बेस्ट थिंग ही हैज डन फॉर द लाइब्रेरी इज ऑर्गेनाइजिंग पेपर मोड क्विजेस इन व्हिच वी ऑल हैव अ पेपर विद अ बारकोड इन इट एंड एवरी द बारकोड इन एवरी डायरेक्शन रिप्रेजेंट्स द एवरी ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन। नमामि गंगा प्रोजेक्ट जो है उसी प्रोजेक्ट में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बच्चे केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 पोंडिचेरी से उस समय, उसका कारण था श्री हरीश कुमार वर्मा जी, और उसके बाद उनका यहाँ से ट्रांसफर होकर के वो चले गए केवी मिसा कैंट में। मैंने उनको वहीं पे देखते आ रहा है, उनका ब्लॉग्स तथा उनका यूट्यूब चैनल हमेशा देखते आया, और मुझे ये पता चला उन्होंने जो यहाँ जो अच्छे कार्य कर रहे थे उसको और सुचारू ढंग से और अच्छे ढंग से वहाँ पर भी वही काम करते आ रहे हैं। एंड ऑल्सो उन्होंने जो बाकी एरियाज में भी जहाँ पे भी टेक्नोलॉजी की जरूरत आती है वहाँ पे वो बहुत ही अच्छे से उसको एफिशिएंटली करते हैं, और अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी कार्यों में भी वो हमेशा एक्साइटेड और एंथुजियास्टिक रहते हैं। हमारे पुस्तकालय में एक LED डिस्प्ले बोर्ड भी लगा है जिसकी मदद से हमें पढ़ाया जाता है कुछ नई नई चीजें। सर ने हमारे मार्क्स को इम्प्रूव करने की भी बहुत ज्यादा कोशिश की है, उन्होंने हमें बताया है कि पढ़े तो पढ़े कैसे एक किताब के द्वारा, और हमें एक एक चीज समझाई है कि पढ़ना कैसे होता है। सर ने हमारे जीवन को सक्षम बनाने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष किया है, अभी से ही हम लोगों को प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है हर एक टॉपिक को लेके। हरीश कुमार वर्मा जी न केवल विद्यार्थियों के हित में ही काम करते हैं बल्कि समय समय पर विद्यालय परिवार के सदस्यों को आधुनिक नवाचार पद्धतियों द्वारा विभिन्न कार्यशालाओं का भी आयोजन करते रहते हैं। हाल ही में उनके इन्हीं प्रयासों को देखते हुए गुवाहाटी संभाग द्वारा नवनियुक्त पुस्तकालय अध्यक्षों के अभिविन्यास कार्यक्रम हेतु उन्हें एक संसाधक के तौर पर नामित किया गया था। इसके अलावा गुवाहाटी संभाग के वर्ष 2024-25 के अकादमिक कैलेंडर हेतु भी उन्हें बतौर सदस्य टीम में स्थान दिया गया। वर्तमान समय में पुस्तकालय अध्यक्षों के स्पिल्टअप पाठ्यक्रम की रचना इनके द्वारा ही की गई है।